आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सोनभद्र में जन विश्वास यात्रा में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। वहीं इस जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़, कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी भी इसमें मौजूद रहे। जन विश्वास यात्रा के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता सोनभद्र पहुंचे हुए थे। जन विश्वास यात्रा रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद को 514 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कार्यक्रम में आम जनता की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चौचा भतीजा की सरकार ने जनता की सुविधाओं को अपने सुख में इस्तेमाल किया था, अब जनता की सुविधा को जनता तक ही पहुंचाया जा रहा है। श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री संजीव गौड़ जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सोनभद्र के जिला के प्रभारी श्री अशोक चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पटेल जी, राकेश शर्मा जी, माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, अनिल कुमार मौर्य जी। कई महीों से प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैनर पोस्टर को लेकर अपनी मांगों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया गया। खासतौर पर मुख्यमंत्री आवास के पास का इलाका सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील होता है। इसके बावजूद पुलिस को इन अभ्यर्थियों को हटाने में 30 से 35 मिनट का समय लग गया और सभी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा गया। अभ्यर्थी कुछ दिन पहले पुलिस से उनका लाठी चार्ज भी देखने को मिला था। दरअसल प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आज के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। 1,37,000 अभ्यर्थियों को, रिक्त भर्तियों को लेकर आज जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री आवास के सामने घेराव किए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या 1,37,000 जितने भी पद खाली सरकार उनको हम योगी बेटों से भरे। 6 महीने से हमारी बहन शिखा पाल पानी की टंकी में बैठी है। 6 महीने से हम धरना दे रहे, हमारी बहन माँ बैठी हुई है। आज अपना सब रजाई में है, हम लोग ठंडी में बाहर सर्द रहते हम लोग। 6 महीने से सर जी के जून को योगी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हमारी बहन 6 महीने से पानी की टंकी में बैठी हुई है। ये महिला सशक्तिकरण है उनका उनका नुमाइंदा बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पे पूछने तक नहीं आया। कैसे वो लोग जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, यही राम राज्य है। तत्कालीन सरकार कह रही है कि आप लोग समाजवादी के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? समाजवादी के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी नुमाइंदा आए तो मार्कशीट देख ले। हमने दिन रात एक करके पढ़ाई की है, सभी मानक हमने पूरे किए, दिन रात एक करके पढ़ाई की हम लोगों ने। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पे, जहां पुलिस के लोग कैसे अभ्यर्थियों को उनकी गाड़ियों में उन्हें गिरफ्त कर रहे हैं और कहां ले जाएंगे इसकी जानकारी अभी नहीं है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय है, जहां ये छात्र विगत 6 महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और देखना ये होगा कि सरकार अब इनके प्रदर्शन को कहाँ तक सुन पाती है। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 110 नई गाड़ियों को जोड़ा है, जहां पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इन्हें लगाया गया है। इस दौरान हरी झंडी दिखाने का जिम्मा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को मिला। इस दौरान लखनऊ की महापौर संयुक्त भाटिया समेत नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी मौजूद रहे। बता दें कि ये गाड़ियां लखनऊ के 8 जोनों में कूड़ा उठाएंगी। गीले और सूखे कूड़े के लिए नगर निगम ने इसमें उचित व्यवस्था की है। वहीं नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि ये गाड़ियां सीएनजी से चलेंगी, जिससे प्रदूषण भी है वो कम होगा।
फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन और फिर सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल। आप देख रहे हैं लखनऊ में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। हमारी महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, हमारे सभी पार्षदगण, नगर आयुक्त और उनकी टीम, ये सब ने टीम भावना के साथ काम किया है और उसी का परिणाम ये है कि लखनऊ जो 4 साल पहले 269 नंबर पे था स्वच्छता रैंकिंग में, वो 12वें नंबर पर पूरे देश बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे। और ये जो कार्य यहाँ पर स्वच्छता की दिशा में हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल लखनऊ अग्रणी होगा पूरे देश में। मंत्री, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हमारी सरकार की प्राथमिकता पे है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2 की लॉन्चिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट और उसके साथ साथ लीगेसी वेस्ट का डिस्पोजल भी हमारी प्राथमिकता पर है और पूरे प्रदेश में इस ओर कार्य हो रहा है। लखनऊ में अभी तक कूड़ा उठाने की 450 गाड़ियाँ लगभग थी, 110 गाड़ी उस बेड़े में आज और जुड़ रही हैं और इस कार्य को और सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके, इसके लिए महापौर जी के नेतृत्व में बहुत कार्य हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लखनऊ के नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी जी। ये बताइए सर, ठंडिया आ चुकी है, इसको लेके नगर निगम क्या क्या तैयारियाँ किया है? इसमें देखिए 23 जो है परमानेंट जो है नाइट सेल्टर जो है बनाए गए हैं और 20 से ज़्यादा हमारे अस्थाई सेल्टर हैं। 10 जो है सेल्टर विस्तारित क्षेत्र में भी बनाए गए हैं। लगभग 800 से ज़्यादा की कैपेसिटी हम लोगों ने क्रिएट की है। जो स्थाई रैन बसेरे हैं उसमें भोजन की व्यवस्था भी है और कुछ जो हमारे रैन बसेरे हैं उसमें लोगों के खेलने कूदने की, योगा, प्राणायाम, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि की भी जो है व्यवस्था की गई है। सर, पिछले साल से इस बार के मुताबिक कितने रैन बसेरे बढ़ाए गए हैं? देखिए, मैं आपको कैपेसिटी के हिसाब से बताऊँ, पिछली बार हमारी कैपेसिटी लगभग 500 लोगों की थी, जो बढ़ के 800 इस बार हो गई है। सर, हमें ये बताएं कि हमने कुछ रियलिटी चेक किया कि अलाव कहाँ कहाँ जलाए जा रहे हैं, किस किस चौराहे पे, तो सर हमें वहाँ बहुत ही कम दिखा, तो नगर निगम कब से लकड़ियाँ गिराना शुरू करेगा? नहीं नहीं, देखिए अलाव की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। सो हमने 100 बिंदुओं से जो है इसको 15 तारीख से स्टार्ट किया था, एज ऑन टुडे हमारे 250 बिंदुओं पे हमने अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, भारत को स्वच्छ बनाना, और इसी कड़ी में आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत लखनऊ में 110 कूड़े की गाड़ियों को बढ़ाया गया है जो लखनऊ की स्वच्छता के लिए काम करेंगी। और इसको हरी झंडी दिखाने के लिए जो जिम्मा मिला था वो नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को मिला था। इस समेत लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी उनके साथ मौजूद थी। अब देखना होगा कि ये 110 गाड़ियाँ कहाँ तक शहर को स्वच्छ बनाने में कारगर साबित हो पाती हैं। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वही फतेहपुर में यूरिया खाद के लिए मारामारी हो रही है। सोसाइटी में किसानों की भीड़ लगी हुई है। खाद लेने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़े क्षेत्र के किसानों का सब्र का बांध टूट गया है। किसानों ने हंगामा किया। वही हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसानों को शांत कराया और सब लोगों को खाद मिलने की बात कही। अरे सुबह 8 बजे के आए, लोग बैठे हुए। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब लिखे पढ़ी कहाँ थे? अच्छा, कि जब ये लिखे पढ़ी हो जाए तब तैयार। हाँ, कौन सी खाद है? यूरिया। कितने की दे रहे हैं? 2 बजे। 280 के। कितने की दे रहे हैं? 280 के। कहाँ, क्या नाम है? हमारा ओम पर। कौन लोग? बस सोहनो। खाद लेने आए? अच्छा, क्या कह रहे हैं? शाम के बाद। अच्छा, कौन सी खाद है? लिया है। कितने की दे रहे हैं? 280 की। अच्छा, क्या नाम है? राम नरेश। लखीमपुर खीरी के केवलपुरवा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू का कार्यकर्ता ने स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती पर मुझे ये आने नहीं देना चाहते हैं। भाजपा इस जनसभा को करने की परमिशन जिलाधिकारी महोदय नहीं दे रहे थे। कई शर्तों पर परमिशन दी गई है। एक तो किसानों की बात ना ही की जाए,
दूसरे केंद्रीय मंत्री से संबंधित कोई भी भाषण नहीं दिया जाएगा। वहीं अजय सिंह लल्लू ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो 2200 रुपए में धान और गेहूं 400 रुपए में गन्ना बिकेगा। हमारी सरकार में 2018 में राहुल जी मनमोहन जी की शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण हुआ, उनको एयरपोर्ट छोड़े, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग मंत्रालय गए, वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। 18 लाख किसानों के 9000 करोड़ के हमने माफ कर, ये छत्तीसगढ़ मॉडल। पूरे देश में आज पूरे देश के किसान समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। धान का समर्थन मूल्य मिले, गन्ना का समर्थन मूल्य मिले, गेहूं का समर्थन मूल्य मिले, ज्वार और चना का समर्थन मूल्य मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य क्या, उससे भी अधिक। आज 1940 रुपए धान का समर्थन मूल्य, कितने में बेच रहे धान? 1000। अभी फोन लगा लिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रहा है, 1940 में खरीद रहे हैं और 9000 रुपए एकड़ देने, 2540 रुपए एकड़ पड़ रहा था। 2500 रुपए उन्होंने खरीदने की बात कही थी, 2500 रुपए क्विंटल में हमने धान खरीदा, और एक साल से नहीं पिछले 3 साल से धान खरीदे 2500 रुपए किसान। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 2500 रुपए नहीं मिलना चाहिए, 2500 रुपए मिलना। 13 दिसंबर को एनआईटी एरिया से गुमशुदा 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने कार्रवाई की है। इस वारदात के मुख्य आरोपी दशरथ को बिहार के बेगूसराय से गिरफ्तार कर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले थाना डबुआ प्रभारी महेंद्र पाठक और उनकी टीम ने इस वारदात में सीसीटीवी फुटेज की सहायता से ऑटो को चिन्हित किया था। रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के माध्यम से पुलिस टीम आरोपी ऑटो ड्राइवर उपेंद्र तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर उपेंद्र को गिरफ्तार करके 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था। पुलिस उपायुक्त नीतीश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस मुकदमे में थाना डबुआ पुलिस की तरफ से आरोपी ऑटो ड्राइवर उपेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमे की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को सौंपी गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी उपेंद्र ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी दशरथ है, जो मृतक बच्चे के दोस्त का पिता है। इसमें यह था कि कुछ लोगों के द्वारा ऑनलाइन ठगी करी जा रही थी, ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था, जिसमें वो लोगों को बल्क में SMS भेजा करते थे और उन पे लिंक पे क्लिक करा के ये बोला जाता था कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को रिडीम करिए। तो उस लिंक पे क्लिक करके आदमी अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर देता था, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर और ईमेल आईडी पासवर्ड, जिसका वो यूज़ करके उनका OTP जो ईमेल्स पे आता था उसको यूज़ करके वो लोग ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। तो इसमें हमने प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी जिला छात्रा मुख्य राघवेंद्र नाथ शुक्ला ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा गया कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली गई है। 26 दिसंबर को दोपहर लेदरी के पुल कुंडा पर यात्रा पहुंचेगी, जो कुंडा बाबागंज रामपुर खास विधानसभा से घूमकर उस दिन अवधेश विद्या निकेतन में विश्राम करेगी और पुनः सुबह 10 बजे से विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ पट्टी और रानीगंज विधानसभा से घूमकर भदोही को प्रस्थान करेगी। इस यात्रा में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मंत्री सांसद कौशाम्बी विनोद सोनकर, प्रदेश कमीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। ये जन विश्वास यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 6 यात्राएं भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। 2017 में हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाला था, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को 325 से अधिक सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हमने 5 साल भाजपा नेतृत्व की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल जन विकास योजनाओं को लेकर के और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जरूरतमंद तक और प्रत्येक
वहीं शाहजहांपुर जनपद के जयतीपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसमें गांव के ही दबंग प्रधान ने ससुराल में आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के निर्देश दिए। मृतक कौशल के पिता अवधेश ने बताया कि अभी हाल ही में एक महीने पहले 28 नवंबर को कौशल की शादी शिवदासपुर नगरिया में हुई थी। हमें तो पता भी नहीं चला कि तब ये विवाद कितना बड़ा हो जाएगा कि हमारे बेटे की दरिंदों ने इस प्रकार से वो गोली मारकर हत्या कर देंगे। पुलिस टीम को निर्देशित करते हुए SPS आनंद ने कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। थाना जयतीपुर अंतर्गत ग्राम नगरिया में आज सुबह एक ही खानदान के पट्टीदारों में आपस में एक झगड़ा हुआ, जिस जो गाय किसी के खेत में घुस जाने को लेकर संभवतः हुआ, और इसमें एक पक्ष द्वारा जो इन्हीं के रिश्तेदार हैं उसमें दूसरे पक्ष पे गोली चलाई जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई। बरेली में उसकी मृत्यु हुई है, जो उपचार के लिए ले गए लोग। मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा, क्षेत्राधिकारी द्वारा एवं थाना प्रभारी द्वारा किया जा चुका है। अभियुक्तों की जो अभी तक प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी आई है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। वही सुल्तानपुर में पिछले 27 नवंबर से सीज PCF का गोदाम खोल दिया गया। दरअसल भंडार नायक के सुसाइड के बाद खाद के घोटाले की आशंका में गोदाम को DM ने सीज करवा दिया था। फिलहाल 3 सदस्यीय टीम की अगुवाई में सीज गोदाम खोलवाकर वहां रखे स्टॉक की जांच करवाई गई है। DM के निर्देश पर अपर सहकारी अधिकारी कादीपुर, नायब तहसीलदार सदर और नगर कोतवाली पुलिस की अगुवाई में PCF गोदाम खुलवा दिया गया। साथ ही वहां रखे खाद और स्टॉक रजिस्टर का भी मिलान करवाया जा रहा है। जिलाधिकारी की माने तो पूरी जांच होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। सर, PCF का गोदाम सीज था, कल खुलवाया गया कि आज? PCF का गोदाम जो कि उनके कार्मिक के मृत्यु के बाद, जिसे मतलब कि सुसाइड के रूप में प्रथम दृष्टया आया था, एहतियातन सीज कराया था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने। उसको कोऑपरेटिव राजस्व और पुलिस की टीम के समक्ष जांच कराते हुए खोला गया है और अभी इस विषय में अंदर क्या पाया गया उसकी जांच अभी चल रही है समिति द्वारा। वही बलिया के फेफना विधानसभा में खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी की ओर से आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए और भारत सरकार के राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने सैकड़ों दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर सहित कई उपकरण बांटे। मीडिया से बातचीत में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 किए जाने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि बाल विवाह के बढ़ती संख्या की वजह से लड़कियों में जो बीमारियां थी वो भी बढ़ रही थी, जिसके बाद मेडिकल एडवाइजर की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। Underdeveloped, there is no development at all in the UP. Now you see the airports, you see that Amul Dairy, you will see how the Kashi is developing. Ganga is developing, how the national highways are developing, how the express highways are developing. You see all these things in the Uttar Pradesh, you know. Yeah. One should know, the public, the voters should know how the उत्तर प्रदेश एज वेल एज इंडिया इज डेवलपिंग इन द लीडरशिप ऑफ मोदी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।